लोग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हम लोग तैयारी कर रहे थे, उसमें लास्ट क्लास में मैंने आपको अभी चैप्टर नंबर 1 करा दिया है, आपको चैप्टर नंबर 2 करा दिया है, चैप्टर नंबर 4 करा दिया है, चैप्टर नंबर 5 करा दिया है। अब मैं आपको चैप्टर नंबर 9 करा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो पूरा का पूरा चैप्टर हम डीपली पढ़ेंगे, जो पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा हम टाइम देंगे उसके ऊपर, और जो सिंपल सिंपल से पॉइंट है वो आपको क्लियर हो जाएगा। चैप्टर बहुत ईजी है, एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना और आपको पूरा का अच्छा चैप्टर जो है पूरा का पूरा अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एनवायरमेंट होता क्या है? जो हमारा एनवायरमेंट है, वातावरण जहां हम रहते हैं, सराउंडिंग्स इज अ सम ऑफ ऑल सोशल इकोनॉमिकल बायोलॉजिकल फिजिकल एंड केमिकल कॉम्पोनेंट्स विच कॉन्स्टिट्यूट द सराउंडिंग ऑफ अ मैन। जो किसी भी इंसान के सराउंडिंग को क्रिएट करता है, चाहे वो कोई भी इकोनॉमिकल फैक्टर हो, सोशल फैक्टर हो, बायोलॉजिकल हो, फिजिकल हो और केमिकल हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनवायरमेंट। हु इज बोथ द क्रिएटर एंड मॉड्यूलर ऑफ हिज एनवायरमेंट। जो इंसान होता है ना, वही अपने एनवायरमेंट को क्रिएट करता है और मॉड्यूल करता है। ओके, किसी भी एनवायरमेंट के अंदर जो कॉम्पोनेंट होते हैं वो होते हैं बायोटिक कॉम्पोनेंट, अबायोटिक कॉम्पोनेंट और एनर्जी। बायोटिक कॉम्पोनेंट का मतलब क्या? जितने भी लिविंग एलिमेंट होते हैं, ध्यान रखना एग्जामिनेशन में 1 मार्क में पूछा जा सकता है, बायोटिक कॉम्पोनेंट्स कौन से होते हैं? जो लिविंग एलिमेंट होते हैं लाइक ट्रीज और एनिमल। ट्रीज और एनिमल को बोलते हैं फ्लोरा, सॉरी ट्रीज और प्लांट्स को बोलते हैं फ्लोरा, और एनिमल को बोलते हैं फौना। एनिमल और मैन दोनों को क्या बोलते हैं? फौना। अबायोटिक कॉम्पोनेंट कौन कौन से होते हैं? जो नॉन लिविंग एलिमेंट्स हैं लाइक लिथोस्फीयर, लाइक सॉलिड अर्थ हो गया, हाइड्रोस्फीयर, वाटर, एटमोस्फीयर, गैसेस एनवेलप, ये सारा का सारा जो है अबायोटिक कॉम्पोनेंट। तो एग्जामिनेशन में आपको पूछ सकता है कि रिवर क्या है, डैम क्या है, रिवर क्या है और ये माउंटेन्स क्या है, दीज ऑल आर अबायोटिक कॉम्पोनेंट। एनर्जी कौन कौन सा होता है? लाइक सोलर एनर्जी, जियोकेमिकल, थर्मोकेमिकल, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, यानी कि और न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी, इन सबसे एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है, दीज ऑल आर द सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो ये सारा का सारा मिलके एनवायरमेंट बनाता है। एनवायरमेंट जो है बायोटिक, अबायोटिक और एनर्जी, इन तीनों से मिलकर बना होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी ये पॉइंट दिया हुआ है कि आपको एनवायरमेंट के फंक्शन बताने कि एनवायरमेंट हमारा क्या काम करता है। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है एनवायरमेंट का, वो है कि एनवायरमेंट रिसोर्स को प्रोड्यूस करता है प्रोडक्शन के लिए। कोई भी फैक्ट्री हो, उसके अंदर वो कुछ भी बना रहा हो, तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल है वो एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है। इट सप्लाइज रॉ मटेरियल फॉर द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ सॉइल, वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल एंड मरीन लाइफ। इन्हीं सारी चीजों से क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। रिसोर्सेज रिन्यूएबल भी हो सकते हैं, जिनको दोबारा बनाया जा सकता है, और रिसोर्सेज नॉन रिन्यूएबल भी होते हैं, यानी कि जिनको दोबारा बनाया नहीं जा सकता। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच कैन बी यूज विदाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज बिकमिंग डिप्लीटेड और एग्जॉस्टेड। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज है जिनका हमें डर नहीं रहता कि खत्म हो जाएगा तो कल को नहीं मिलेगा, लाइक ट्रीज एंड एनिमल्स। जबकि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? विच गेट्स एग्जॉस्टेड, जो खत्म हो जाएगा विद द एक्सट्रैक्शन एंड यूज। अगर आप उसका एक्सट्रैक्शन करोगे, आप उसको यूज करोगे और वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। दीज आर फाउंड इन ग्राउंड, दीज आर नॉट लिविंग थिंग्स, दीज आर इन फिक्स अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज एंड देर आर सम टाइम हार्ड टू फाइंड। जैसे पेट्रोल और कोयला हो गया, कोल पेट्रोलियम, कई बार इसे फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाता है, और जितना ज्यादा आप ग्राउंड से इसको एक्सट्रैक्ट करोगे वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। कोल और पेट्रोल को बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स, और ये जो फॉसिल फ्यूल्स है क्लास, ये कई हजारों लाखों साल लगते हैं बनने में, जो अर्थ के ग्राउंड में होता है। कोई जानवर, कोई ट्री अगर मर गया है तो वो दबते जाता है अर्थ के नीचे, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में दबते चला जाता है, और इतना प्रेशर होता है कि सबसे ज्यादा कार्बन उससे निकल आता है। तो जब कार्बन निकल जाता है तो वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी बन जाता है, चाहे वो नेचुरल गैस बन जाए, चाहे वो कोयला बन जाए, चाहे वो ऑयल बन जाए। फिर बाद में इसे कई लाखों साल बाद धरती से ढूंढ के एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो अगर एक बार आपने एक्सट्रैक्शन किया, वो खत्म हो गया, तो दोबारा उसका मिलना मुश्किल है, वो लाखों करोड़ों साल बाद मिलेगा फिर, जो बहुत लंबा टाइम है। ओके, तो एनवायरमेंट का सबसे पहला फंक्शन क्या है? एनवायरमेंट हमें प्रोडक्शन के लिए क्या देता है? रिसोर्सेस मुहैया कराता है, रिसोर्सेस अवेलेबल कराता है। दूसरा, एनवायरमेंट सस्टेन लाइफ। विदाउट एनवायरमेंट, हमारे यहाँ का अर्थ का एटमोस्फियर ऐसा है, एनवायरमेंट ऐसा है, तो हम जिंदा रह पाते हैं? अगर हम मून पे या किसी और अर्थ, किसी और प्लैनेट पे अगर हम चले जाएं, तो वहां पे हम जिंदा नहीं रह सकते, हमारी जाते ही वहां डेथ हो जाए। क्यों? उनका एनवायरमेंट जो है हमारे लाइक नहीं है। एनवायरमेंट इंक्लूड सन, सॉइल, वाटर एंड एयर विच आर द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। बायोटिक कॉम्पोनेंट कैन नॉट सर्वाइव विदाउट दीज एलिमेंट। जो बायोटिक कॉम्पोनेंट्स है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो इसके बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। तो एनवायरमेंट हमको रिसोर्सेज देता है, प्लस एनवायरमेंट में क्या होता है? लाइफ सस्टेन करता है। थर्ड पॉइंट क्या है क्लास? एनवायरमेंट एसिमिलेट्स वेस्ट। प्रोडक्शन और कंजप्शन एक्टिविटी जनरेट वेस्ट। अगर हम प्रोडक्शन करें और कंज्यूम करें तो उससे क्या होता है? वेस्ट जनरेट होता है, और इस वेस्ट से कई सारा गार्बेज, यानी कि कूड़ा कबाड़ा इकट्ठा होता है, जिसको अब्सॉर्ब कौन कर लेता है? एनवायरमेंट। आप कुछ भी चीज फेंकते हो धरती पे, उसके कई दिन बाद देखते हो तो वो गायब हो जाती है, क्योंकि उसको एनवायरमेंट ने क्या कर लिया है? एब्जॉर्ब कर लिया है।
फोर्थ पॉइंट क्या है क्लास, इन्वायरमेंट इनहेंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ, इन्वायरमेंट हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है. इन्वायरमेंट इंक्लूड लैंड, फॉरेस्ट, ओशियंस, माउंटेन्स एंड डेजर्ट. पीपल इंजॉय द ब्यूटी ऑफ दीज एलिमेंट, सच एलिमेंट हेल्प इन इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ. लोग इस ब्यूटी को इंजॉय करते हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ को जीते हैं. क्लियर यहां तक? तो ये हो गया एनवायरमेंट. फंक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फंक्शन जो है सारे के सारे आप अच्छे से याद कर लेना. ओके अगर हम बात करें इन्वायरमेंट में ना, एक कैरिंग कैपेसिटी होती है इन्वायरमेंट की, एक कैरिंग कैपेसिटी होती है. कैरिंग कैपेसिटी मतलब क्या है, हम जितना ज्यादा रिसोर्सेस का वेस्ट कर रहे हैं, जितना ज्यादा हम लोग प्रोडक्शन कंजप्शन एक्टिविटी से गार्बेज फैला रहे हैं, उन सब को हमारा एनवायरनमेंट जो करता है अब्सॉर्ब करता है, लेकिन एक लिमिट तक. जिस दिन वो अब्सॉर्ब करना बंद कर देगा उस दिन क्लाइमेट चेंज होगा और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी. ध्यान रखना, इतना ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ता चला जा रहा है जिसकी वजह से एक्सेसिव नेचुरल रिसोर्सेज का, पेड़ों की कटाई हो रही है और केमिकल का यूज हो रहा है, बहुत सारे पॉल्यूशन हो रहा है, गाड़ियों से निकल रहा है, इस सबसे हमारा जो एनवायरनमेंट है वो पॉल्यूट हो रहा है. और एक दिन ये इतना पॉल्यूट हो जाएगा कि हम लोग यहाँ रह नहीं पाएंगे, हमें किसी दूसरे ग्रह पे या कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा जहां हमारे लाइक एनवायरनमेंट हो. आप खुद देखो कितना ज्यादा पॉल्यूशन होता है कि आपको सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, तरह तरह की बीमारियां रोज निकल के आती है जिनका इलाज भी पॉसिबल नहीं हो पाता है. बहुत सारे क्लाइमेट चेंज की वजह से गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है गर्मियों के दिन, सर्दियों के दिन सर्दी ज्यादा पड़ती है, बारिश जो है वो बहुत ज्यादा होती है, कहीं पे बाढ़ तूफान सुनामी आता है, कहीं पे कई कई दिन तक बारिश नहीं पड़ती, सूखा हो जाता है, ये सारे प्रॉब्लम जो हो रहा है. अच्छा शुद्ध पीने का पानी नहीं मिलता आपको, कहीं पे पेड़ के नीचे ठंडी हवा नहीं लगती आपको बैठने के बाद, पेड़ ही बहुत सारे कट जाते हैं, बहुत सारे फॉरेस्ट को काट के उनको सड़क, उनके लिए मेट्रो बना दी जाती है, उनके लिए मॉल बना दिए जाते हैं, इंडस्ट्रीज दे दी जाती हैं. ये सारी चीजें जो है ये क्या है, ये हमारी कैरिंग कैपेसिटी जो है एनवायरमेंट की उसको खत्म करता है. ओके तो बेसिक प्रॉब्लम जो है एनवायरमेंट का, सबसे पहला है पॉल्यूशन, सबसे ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, और एक्सेसिव एक्सप्लोइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, पॉल्यूशन और नेचुरल रिसोर्सेज का अधिक यूज करना क्या है, ये दोनों प्रॉब्लम हो सकता है हमारे एनवायरमेंट के लिए. तो सबसे पहला जो पॉइंट है इसके अंदर है पॉल्यूशन. एक बार फटाफट पॉइंट को रीड करो, क्या लिखा है पॉल्यूशन. पढ़ा आपने क्या लिखा हुआ है, पॉल्यूशन रेफर्स टू दीज एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन विच चैलेंज द प्योरिटी ऑफ एयर एंड वाटर. पॉल्यूशन क्या करता है, एयर और वाटर की जो प्योरिटी है उसको चैलेंज करता है. पॉल्यूशन एयर पॉल्यूशन भी हो सकता है और वाटर पॉल्यूशन भी हो सकता है और नॉइज पॉल्यूशन भी हो सकता है. तो हम ये तीनों पॉइंट पढ़ेंगे, एयर पॉल्यूशन क्या है, वाटर पॉल्यूशन क्या है और नॉइज पॉल्यूशन क्या है. एयर पॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल एंड गैसेस इन द एयर. एयर में जो सॉलिड पार्टिकल्स और गैसेस मिक्स हो जाती हैं उससे हमारा जो एयर की क्वालिटी है वो खत्म हो जाती है. कई बार आपने देखा होगा विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है. आप अगर आप किसी हिली एरिया में जाओ और किसी दूर दराज एरिया में जाओ तो वहाँ पे दूर दूर तक आपको चीज़ें दिखाई देती हैं, लेकिन अगर आप अर्बन एरिया में रह रहे हो जहाँ डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे होता क्या है कि आपको दूर दूर तक दिखेगा भी नहीं, आपको पास तक ही दिखेगा. क्यों? क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे एयर में मिक्स हो जाते हैं, इसकी वजह से हमारी विजिबिलिटी कम हो जाती है और एयर की जो क्वालिटी है वो खत्म हो जाती है. बहुत सारे गैसेस, चिमनी से जो धुआं निकलता है, बहुत सारे आपने कंपनीज के बाहर देखा होगा चिमनी से धुआं निकलता है, या बहुत सारे लोग क्या कूड़ा कबाड़ा जलाने लग जाते हैं बाहरी, तो इससे हमारा जो एयर की क्वालिटी है वो खराब हो जाती है. एयर पॉल्यूशन की कॉजेज क्या है, सबसे पहला कॉज जो है एमिशन ऑफ गैसेस बाय मोटर व्हीकल. जो गाड़ियां चलती हैं उससे जो सबसे ज्यादा पॉल्यूशन होता है, क्योंकि गाड़ियां चलती हैं क्लास तो फ्यूल बर्न होता है, उससे क्या होता है पॉल्यूशन होता है. दूसरा स्मोक एमिट बाय इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज है स्मोक एमिट करती हैं, कोयला जला के वो एनर्जी प्रोड्यूस करती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन एंड केमिकल जो है वो एयर में रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से एयर की जो क्वालिटी वो खत्म होती है, हमें सांस लेने में बीमारी होती है, अस्थमा जैसी बीमारी हमको हो जाती है. एग्रीकल्चर एक्टिविटी लाइक इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, दे एमिट हार्मफुल केमिकल इन टू द एयर, कॉज एयर पॉल्यूशन. इसकी वजह से एयर पॉल्यूशन भी होता है और वाटर पॉल्यूशन भी होता है. क्यों? जब बहुत सारा आपने देखा होगा जो छिड़काव करता है दवाइयों का, तो वो मुंह पे कुछ बांध लेते हैं, जो किसान होते हैं वो बांध के, सोचो कितना ज्यादा वो जहरीला है कि उसको मुंह पे बांध के वो छिड़काव कर रहे होते हैं, तो उससे क्या होता है जो एयर की क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं इंप्रूव होने की जगह वो डिक्लाइन होता है, एयर की क्वालिटी खराब हो जाती है, क्योंकि वो सारी केमिकल जो है वो कहीं ना कहीं एयर मिक्स होता है, तो आसपास में जो पंछी है उनको भी इंपैक्ट डालता है, आसपास जो लोग रहते हैं उनको भी इंपैक्ट डालता है.
एयर पॉल्यूशन ऑल्सो कॉज बाय द प्रोसेस ऑफ माइनिंग, खनन जब किया जाता है धरती के नीचे से, जब एक्सट्रैक्ट किया जाता है कुछ भी एक्सट्रैक्ट किया जाता हो, उससे क्या होता है, जो जो धूल उड़ता है उससे कहीं ना कहीं हमारा जो वाटर जो एयर है वो क्या होता है, पॉल्यूट होता है। वेर इज इन मिनरल बिलो द अर्थ, जो मिनरल्स हमारे अर्थ के नीचे है आर एक्सट्रैक्टेड यूजिंग लार्ज इक्विपमेंट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डस्ट एंड केमिकल आर रिलीज इन टू एयर कॉज मैसिव एयर पॉल्यूशन। तो उससे काफी सारा डस्ट जो है वो रिलीज होता है और उससे क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता है। घर के अंदर भी पॉल्यूशन होता है, इंडोर एयर पॉल्यूशन लाइक हाउस क्लीनिंग प्रोडक्ट, हाउस क्लीनिंग प्रोडक्ट जो होता है, पेंटिंग सप्लाई, जब घर पे आप पेंट कराते हो तो कैसे स्मेल आती है, सोचो आप अंदर घुस भी नहीं सकते एक दिन तक, तो एक दो दिन तक रहता है स्मेल। एवं टॉक्सिस केमिकल इन टू एयर, तो वो एयर में बहुत जहरीले केमिकल को छोड़ता है जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है। हैव यू एवर नोटिस दैट, ये वही पॉइंट लिखा है जो मैंने पेंट वाला बोला आपको, ठीक है। अब आपको ये याद रखना है कि एयर पॉल्यूशन से कौन कौन सी बीमारी होती है। एयर पॉल्यूशन से हाइपरटेंशन होता है, अस्थमा होता है, हार्ट डिजीजेस होता है, एयर पॉल्यूशन से स्ट्रोक होता है, और निमोनिया और कैंसर जैसी बीमारी एयर पॉल्यूशन से हो सकता है। क्वेश्चन में 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन सी बीमारी एयर पॉल्यूशन के थ्रू होती है, तो 3-4 बीमारियों का नाम देगा, तो आप प्लीज इसको याद करना अच्छे से। अब एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल कैसे किया जाए, तो सबसे पहला तरीका जो है लोगों को प्रमोट करो कि आप वो पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का यूज करें। अगर वो घर से एक ही जगह से जा रहे हैं, दो लोग अलग अलग ऑफिस में, ऑफिस आसपास है तो वो एक साथ जाएं, अगर एक ही ऑफिस है तो एक साथ जाएं वो, ताकि अलग अलग गाड़ियां ना निकले, इससे एनर्जी भी सेव होगा और उनका पैसा भी सेव होगा। सो कार पुलिंग कहते हैं, यानी कि आप लोग अलग अलग गाड़ियों में ना जाकर एक साथ जाएं या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज करें, और अपनी गाड़ी में जो क्लीनर फ्यूल्स हैं उसका यूज करें। क्लीनर फ्यूल मतलब कि CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सल्फर मैथ कर लेना, CNG हो गया, पेट्रोल डीजल के अलावा वो CNG इलेक्ट्रिक कार का यूज करें जो पॉल्यूशन कम करती है। थर्ड पॉइंट क्या है, फैन को अपना ऑफ करें, लाइट्स को ना जलाएं जब उसकी जरूरत ना हो तो। लार्ज नंबर ऑफ फॉसिल फ्यूल आर बर्न टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, आपके घर पे जो बिजली आती है तारों द्वारा, जो खंभों द्वारा तारों द्वारा बिजली आती है, उसके लिए ऑलरेडी बहुत सारा कोयला या बहुत सारे अलग अलग जो रिसोर्सेस है, फॉसिल फ्यूल है, उनको जलाया जाता है तब जाके वो आपके पास आता है। अगर आप उसको वेस्ट ज्यादा करोगे तो ज्यादा ज्यादा क्या होगा, वो जलाया जाएगा और एक दिन वो ऐसा होगा कि वो फॉसिल फ्यूल खत्म हो जाएगा और आगे आने वाली जनरेशन को तो मिलेगा नहीं, दूसरी बात पॉल्यूशन भी सबसे ज्यादा होगा। क्लीन एनर्जी यूज करना चाहिए, लाइक सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी क्या होता है, सोलर पैनल जो होता है वो आप घर के ऊपर जो रूफ पे लगा सकते हो सोलर पैनल, और वो सनलाइट को लेगा, अब्सॉर्ब करेगा और आपको सनलाइट की जगह इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट करके देगा वो। यूज ऑफ क्लीनर फ्यूल लाइक LPG, घर पे जो है कई सारी महिलाएं जो होती हैं वो गांव में अभी भी लकड़ियों का यूज करती हैं खाना बनाने के लिए, एनिमल रेजिड्यू का यूज करती हैं, प्लांट रेजिड्यू का यूज करती हैं, तो इसीलिए ये सारी चीजें जो है पॉल्यूशन करता है। तो ट्राई करें कि LPG गैस का यूज करें ताकि पॉल्यूशन कम हो, हालांकि LPG से भी पॉल्यूशन होता है बट ट्राई होगा कि कम पॉल्यूशन होगा पहले से। सेकेंड है वाटर पॉल्यूशन, इट इज डिफाइंड, इस चैप्टर क्लास बहुत बड़ा है तो मुझे थोड़ा फास्ट ही करना पड़ेगा क्योंकि मैं आपको नॉर्मल नहीं पढ़ा रहा, नॉर्मल जब पढ़ाना होगा तो मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, बट अभी आपका पेपर की तैयारी चल रही है बोर्ड की जो 2 दिन बाद है, तो इसलिए मुझे आपको फटाफट तैयारी कराना पड़ रहा है इसका। वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, डिफाइन एज प्रेजेंस इन ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर या जो क्लास सरफेस वाटर है उसमें जो कुछ ऐसे टॉक्सिक यानी जहरीले केमिकल मिक्स हो जाते हैं जिसकी वजह से वाटर की प्योरिटी खत्म हो जाती है, जो ह्यूमन हेल्थ के लिए और एनिमल हेल्थ के लिए, इवन जो पानी में एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनके लिए वो खराब रहता है। वाटर कॉज का सबसे पहला कॉज इज डोमेस्टिक सीवेज दैट फ्लो इनटू स्ट्रीम्स इन वाटर, अब घर की नाली जो है सीधे कहीं ना कहीं नदियों में या झरनों में कनेक्टेड रहती है जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर जो है वो अपनी प्योरिटी खत्म कर देता है। आप सोचो आप नदी का पानी कितना काला हो जाता है कई बार, जैसे हमारे यहाँ यमुना नदी है तो वहाँ का पानी एकदम काला हो गया है, इतना खराब पानी, गंगा जो है नदी उसका पानी इतना काला हो जाता है, खराब हो जाता है, तो सोचो जो उसके अंदर जीव जंतु रहते होंगे पानी के अंदर, उन्हें कितना मुश्किल होता होगा। फिर हम लोग पानी पीने के लिए, पहले लोग नदियों का पानी पिया करते थे आराम से, लेकिन अब क्या नलके का पानी भी आप सही से पी नहीं सकते। थर्ड पॉइंट क्या है, इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स जो है, सॉरी इंडस्ट्रियल लोग, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो इंडस्ट्रीज हैं अपना वेस्ट जो है वो नदियों में बहा देती हैं, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड जो है वो रिवर और स्ट्रीम के थ्रू जो है पानी में पहुंच जाता है। फार्मर जो है वेजिटेबल्स को वॉश करते हैं अनट्रीटेड सीवेज में, विच लीड्स टू वाटर पॉल्यूशन, यानी कि वो क्या करते हैं कि जो किसान जो है छिड़काव कर रहा है जिन चीजों पे, छिड़काव करने के बाद जो सब्जियां निकली जाती हैं, सब्जी मिलती हैं, उन सब्जी को पानी में धो देते हैं, तो सब्जियों में क्या लगा था, केमिकल, केमिकल कहां चला गया, पानी में, और वो पानी खराब पानी भी होता है, उससे आप बीमार भी पड़ सकते हो और पानी तो खराब हो ही रहा है। तो ये सब कॉजेस है वाटर पॉल्यूशन के। वाटर पॉल्यूटेड वाटर इज द प्रिंसिपल कॉज ऑफ कौन कौन सी बीमारी हो सकते हैं, हेपेटाइटिस बी, टाइफाइड, डायरिया, कॉलेरा और रोटा वायरस, ऐसी बीमारी का नाम याद कर लेना क्लास, ये होता है वाटर पॉल्यूशन से। शोर शराबा, नॉइज पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन कैसे, जो गाड़ियां होती है उनमें जो हॉर्न लगा होता है जो साउंड क्रिएट करता है और उसको कंटिन्यू हमारे यहाँ बजाते चले जाते हैं जिससे क्या होता है, और बहुत सारी मशीनें जो रन करती हैं उनमें जो पॉल्यूशन होता है, साउंड निकल के आता है, गाड़ियां चलती हैं उससे भी साउंड निकल के आता है,
द सोर्स ऑफ आउटडोर इज वर्ल्ड वाइड मेनली द कॉज ऑफ मशीन ट्रांसपोर्ट एंड मिलियन ऑफ व्हीकल्स फिटेड विद लाउड हॉर्न्स एंड नॉइज जनरेटिंग इंजन्स इंजन से भी आवाज आती है और इससे कौन कौन सी बीमारी होती है, इरिटेशन होती है, हाइपरटेंशन होती है, हेयर लॉस होता है और स्लीप डिस्टर्बेंसेस, ये सारी चीजें होती है नॉइज पॉल्यूशन से। अगला है एक्सेसिव एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। पहला तो हमने पढ़ा एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन। सेकंड जो पॉइंट है एनवायरमेंट को डिग्रेड करने का, वह एक्सेसिव एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज का हद से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज मतलब हमारा फॉरेस्ट, मिनरल्स, सॉइल एसेट्रा। इन ऑर्डर टू अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ मैन नीड्स नेचुरल कैपिटल। नेचुरल कैपिटल मतलब नेचुरल रिसोर्सेज अलॉन्ग विद फिजिकल कैपिटल यानी कि मशीनरी। फिजिकल कैपिटल का मतलब क्या होता है, मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर। और नेचुरल कैपिटल मतलब क्या होता है, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ट्रीज हो गया, प्लांट्स हो गया, मिनरल हो गया, सॉइल हो गया, फॉरेस्ट हो गया, रिवर हो गया, सी ओशियन हो गया। एज प्रोडक्शन इंक्रीजेस द बोथ गेट डेप्रिशिएट। अगर प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो नेचुरल रिसोर्सेज भी डेप्रिशिएट होगा और मशीन भी डेप्रिशिएट होगा। लेकिन मशीन के लिए प्रोविजन आप बना लेते हो, बट क्या आप कोई नेचुरल रिसोर्सेज के लिए प्रोविजन बनाते हो? नहीं। नेचुरल जंगल भी तो कटेगा ना अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो, पर क्या उसके लिए पहले से कोई कहीं और पेड़ लगाते हो? एक पेड़ काटते हो, दूसरा पेड़ लगाते हो आप? नहीं। लेकिन मशीन के लिए, अगर मशीन खराब होती है तो पैसा जोड़ के रखते हो, तुरंत एक नई मशीन खरीद के लिए आते हो। तो नेचुरल रिसोर्सेस और फिजिकल कैपिटल दोनों ही इस्तेमाल करने से इनकी वैल्यू कम हो जाती है, तो दोनों के लिए प्रोविजन बनाना चाहिए। अब नेचुरल रिसोर्सेज का जो एक्सप्लोरेशन हो रहा है उसकी बहुत सारे अलग अलग इन्वायरमेंटल कंसर्न्स है। सबसे पहला डिफॉरेस्टेशन। ये सारे पॉइंट आप याद रखना, अब मैं आपको जो जो पॉइंट बताने वाला हूँ। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि जंगल की कटाई, जहां पे आप जंगल को काट देते हो। डिफॉरेस्टेशन इज द परमानेंट रिमूवल ऑफ ट्री टू मेक रूम फॉर समथिंग बिसाइड फॉरेस्ट। दिस इंक्लूड्स क्लियरिंग द लैंड फॉर एग्रीकल्चर, यूजिंग द टिम्बर फॉर फ्यूल, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग। इन सब के लिए हम जंगल की कटाई करते हैं, जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन होता है। और पेड़ काटने से क्या होता है, बारिश कम हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, और जो पेड़ होता है, जितने भी ट्रीज हैं, प्लांट हैं, वो अब्सॉर्ब करती हैं हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को, और हम लोगों को क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। अगर पेड़ ही नहीं रहेगा सोचो हम भी जिंदा नहीं रहेंगे। डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। लैंड डिग्रेडेशन रेफर्स टू डिक्लाइन ओवरऑल क्वालिटी ऑफ सॉइल। जो सॉइल की क्वालिटी, देखो हर एक सॉइल के अंदर ना न्यूट्रिएंट्स होता है जो प्लांट्स को ग्रो करने में मदद करता है। हमें दिखता नहीं है लेकिन बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कभी कोई भी प्लांट को ग्रो करने में मदद करता है। बहुत सारी सॉइल को उपजाऊ बनाया जाता है, लेकिन अगर सॉइल अपनी फर्टिलिटी को लूज कर दे, अपनी वेजिटेशन कंडीशन को खराब कर दे, तो इसको बोलते हैं क्लास डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, और ये ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से होता है। सॉइल, जो लैंड डिग्रेडेशन होता है उसका मेन कॉज क्या है, सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का मतलब क्या, जो तेज हवा चलती है, तेज हवा चलने से, फ्लड आने से, जो सॉइल का अपर लेयर है, अपर लेयर के अंदर जो सॉइल वो होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है, वो अलग अलग जगह चले जाते हैं, वो खो जाते हैं। वो जो कौन कौन से होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटासियम। ये सारी चीजें क्लास हवा से कहीं और चली जाती हैं, या ओवरग्रेजिंग हो गया, बहुत ज्यादा चरना, जानवर लोग चरते हैं। एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स। फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा, ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करना, धरती से पानी निकालना बहुत ज्यादा, तो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो भी डाउन होता चला जा रहा है। और इम्प्रॉपर क्रॉप रोटेशन, सही से क्रॉप रोटेट ना करना, ये सारे रीजन है किसके, लैंड डिग्रेडेशन के। अगर आपको नोट आता है बनाने के लिए लैंड डिग्रेडेशन के ऊपर, तो आपको लैंड डिग्रेडेशन के कॉजेज भी लिखना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट है बायोडाइवर्सिटी लॉस। क्लास बायोडाइवर्सिटी लॉस का मतलब क्या है, जब आप किसी प्रजाति को, किसी स्पीसीज को आप जो है खो देते हो, तो इसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस। बायोडाइवर्सिटी इज द एग्जिस्टेंस ऑफ अ नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल एंड प्लांट विच टुगेदर मेक्स अ गुड एंड हेल्दी इन्वायरमेंट। कई आपने सुना होगा सेव द टाइगर, कि जो टाइगर की क्वांटिटी है वो कम होती चली जा रही है। अगर टाइगर की क्वांटिटी कम होगी, देखो आपने पढ़ा होगा बचपन में कि मान लो कि चूहा है वो कोई कीड़ा खाता है, चूहे को सांप खाता है, सांप को भी कोई और खाता है, तो इस तरीके से जो हमारा पूरा का पूरा साइकिल है वो चलता रहता है। अगर उस साइकिल में एक भी इंसान डिस्टर्ब हो गया, एक भी इंसान डिस्टर्ब हो गया अगर, तो जो दूसरे दो जानवर है उनकी तादाद बढ़ती चली जाएगी, और एक दो खत्म हो गया वो तो, जैसे डायनासोर है, डायनासोर खत्म हो गए, उसी से टाइगर भी खत्म हो जाता है, हम टाइगर को देख भी नहीं पाते। तो इसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस। कोई प्लांट हो, चाहे कोई क्लास एनिमल हो, जिनकी जो क्वांटिटी है वो कम होती चली जाती है, इसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस। और कम क्यों होती है, हम ऐसा एनवायरमेंट बनाते हैं कि वो रह ही नहीं पाते, दैट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी लॉस। जैसे पॉल्यूशन इज अ मेजर थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। पॉल्यूशन जो है बायोडाइवर्सिटी का मेजर थ्रेट है, एंड वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू ओवरकम। और ये एक ऐसा प्रॉब्लम बनता जा रहा है पूरे ग्लोबल के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए पॉल्यूशन के पीछे लोग लड़ रहे हैं, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें ऐसी हो रही है कि जिसको ओवरकम करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्लास ध्यान रखना, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या है, टेम्परेचर बढ़ जाता है क्लास,
विच मेक्स द डिफिकल्ट फॉर द स्पीसीज टू लिव। इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती है क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से क्या होता है, जो सन की रेज, मान लो ये सन है, सन की जो रेज आती है वो इन्वायरमेंट में टकराती है फिर वापस जाती है, हमारे अर्थ पर टकरा के वापस जाती है। तो यहाँ पे कुछ ग्रीन हाउस गैसेस इकट्ठा हो जाते हैं जो इसको वापस नहीं जाने देते, वापस नीचे धकेल देते हैं, जिसकी वजह से गर्मी बहुत ज्यादा पड़ जाती है। देखते हो गए आप गर्मी के सीजन में इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत सारे जानवर मर जाते हैं और उनका रहना भी मुश्किल हो जाता है। एवरेज टेम्परेचर अर्थ का 10-10 साल में बढ़ता चला जा रहा है, ऐसा नोटिस हो रहा है। अगर टेम्परेचर ऐसे ही बढ़ता चला गया तो एक दिन हम लोग क्या जिंदा ही जल जाएंगे, यहाँ रहने लायक नहीं रहेगा, जो अर्थ है वो रहने लायक नहीं रहेगा। तो ये सीरियस प्रॉब्लम है, सरकार को इसके ऊपर काम करना चाहिए, हम जैसे आप जैसे लोगों को अवेयर रहना चाहिए इस चीज के लिए, हम ज्यादा पॉल्यूशन ना करें। वो आगे अभी भले ही मान लो 50 साल, 100 साल, 200 साल, 250 साल तक कुछ नहीं होगा, लेकिन धीरे 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 जो आगे आने वाली हमारी जनरेशन है, इंसान मोस्टली हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए ही सब कुछ करता है, मेहनत करता है, आपके माँ बाप आपको पढ़ाते लिखाते हैं, बट लेकिन एक अच्छा एनवायरमेंट देना भी उनकी ड्यूटी है। पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ओवर कंजप्शन, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन का बढ़ना और बहुत ज्यादा कंजप्शन करना, ये सब भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है पॉल्यूशन का, और ये सब प्रॉब्लम बनता है बायोडाइवर्सिटी लॉस का। ग्लोबल वार्मिंग क्लास, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज अच्छे से जरा पढ़ना कि ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है। वैसे आपने बचपन से पढ़ा हुआ काफी नॉलेज भी होगी, तो मैं आपको पढ़ाता हूँ। काफी बड़ा चैप्टर क्लास, तो घबराना नहीं, टाइम लगेगा, दो पार्ट में भी आप इस वीडियो को देख सकते हो, बट मैं एक पार्ट में बोर्ड कर दूंगा कि आप पेपर जो आपके बहुत नजदीक है, तो आप चेक करो क्या होता है ग्लोबल। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक कर देना। ये बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, इनको कोई भी यूट्यूब पे नहीं डालेगा आपके लिए, क्योंकि उसको लगता है कि उसका जो टैलेंट है वो मतलब कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो जाएगा, बट आप लोगों के लिए मैं ये काम कर रहा हूं, तो आप लोग प्लीज अच्छे से इसको देखना, समझना, और उम्मीद करता हूं काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, ग्लोबल वार्मिंग इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ लोअर एटमोस्फियर। अर्थ के अलग अलग एटमोस्फियर का लेवल होता है, जो लोअर एटमोस्फियर है उसमें इंक्रीज हो जाना टेम्परेचर का ड्यू टू इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस। अभी ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो आपको याद रखना है कौन कौन से होते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस से क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ज्यादा बढ़ जाने से ये ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। ग्रीन हाउस गैसेस के जो मेजर सोर्सेस हैं, मतलब किन किन कौन कौन से गैसेस हैं, पहला है वाटर वेपर, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है मीथेन, चौथा नाइट्रस ऑक्साइड, पांचवा ओजोन है। ये मेन जो है इसमें सोर्स सबसे ज्यादा क्या है क्लास, कार्बन डाइऑक्साइड है एंड देन मीथेन, बट मीथेन जो है वो ज्यादा पावरफुल होता है, हालांकि क्वांटिटी उसकी कम होती है। द मेजर सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कहां से निकलता है, पावर प्लांट, फॉसिल फ्यूल के जलने से पावर प्लांट में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना, इसीलिए लोग क्यों कहते हैं एनर्जी को कंजर्व करो, इसलिए नहीं कि आपके पैसे बचेंगे, एनर्जी कंज्यूम करने से, एनर्जी कम कंजर्व करने से, यानी कि कम कंज्यूम करने से एनर्जी को, जो ये पावर प्लांट में ईंधन फूकता है, कोयला और ये जो पेट्रोल है या अदर कोई भी अदर फॉसिल है, तो वो सारी चीजें कम फूकेंगी तो पॉल्यूशन जो होगा वो कम होगा। फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, करंटली सर्फेस टेम्परेचर जो है 0.2 डिग्री सेल्सियस से हर 10-10 साल में बढ़ता चला जा रहा है। नंबर ऑफ कोल्ड डेज एंड कोल्ड नाइट्स हैव बीन इंक्रीज एंड नंबर ऑफ वार्म डेज एंड वार्म नाइट्स हैव, जो कोल्ड डेज और कोल्ड नाइट है वो डिक्रीज होता चला जा रहा है, डिक्रीज, और इंक्रीज क्या हो रहा है, जो गर्म दिन है और गर्म रातें हैं वो क्या हो रही है, इंक्रीज होती चली जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग का कॉजेस क्या होगा, अगर ग्लोबल वार्मिंग होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो उसका कॉजेस क्या होगा, एक तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा पहली बात, दूसरी बात इंक्रीज इन सी लेवल। सी लेवल क्यों बढ़ेगा, क्योंकि जो रेनफॉल है उसका पैटर्न चेंज हो जाएगा, जो ग्लेशियर है वो पिघलने लगेंगे, तो वो सारा का सारा पानी, आपको पता है ना कि जितना पानी है अभी उससे ज्यादा बर्फ है, यानी कि जितना पानी आप देखते हो ना कभी भी नदी में, समंदर में, उससे कहीं ज्यादा पानी जो है वो बर्फ के रूप में, ग्लेशियर्स के रूप में जमा हुआ है। अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो वो ग्लेशियर पिघलने लग जाएगा, वहां पर जो पोलर बियर, वहां पर जो और जो जानवर रहते हैं वो सबके सब लोग मर, वो जानवर मर जाएंगे, और पानी का लेवल इतना बढ़ जाएगा कि पूरा अर्थ जो है वो पानी से डूब सकता है इजीली, क्योंकि आपको पता है ना लैंड का एरिया बहुत कम है, मेजर पोर्शन अर्थ का जो है वो वाटर है और ग्लेशियर है। लॉस ऑफ ब्यूटी ऑफ नेचर, जो नेचर की ब्यूटी है, जो आप हरियाली देखते हो, जो आप बीचेस देखते हो, जो आप माउंटेन्स देखते हो, जो आप बर्फबारी देखते हो, ये सारी चीजें जो है वो खत्म हो जाएंगी। नेचुरल कैलेमिटीज सच फ्लड होगा, फेमाइन, हीट वेव, जो गर्म गर्म हवा चलती है ना, लू बोलते हैं जिसको, वो सारी चीजें कंटिन्यू बढ़ती चली जाएगी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। और वेरियस न्यू डिजीज हैव इमर्ज, और बहुत सारी नई नई बीमारियां जो है आने लगेंगी, अगर आप ग्लोबल वार्मिंग करते हो तो बहुत सारी बीमारियां जो है वो आने लगेंगी। टेम्परेचर के बढ़ने से मलेरिया जैसी बीमारी जो है वो बहुत ज्यादा फैलती है, और इफेक्ट इन मरीन लाइफ, जो मरीन लाइफ है उन पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। क्लियर है, तो ग्लोबल वार्मिंग का टॉपिक समझ में आ गया, ग्लोबल वार्मिंग क्या है और किस तरीके से इसका इम्पैक्ट आता है।
नेक्स्ट है ओजोन डिप्लीशन। ओजोन लेयर जब डिप्लीट हो जाता है तो सन से जो रेज निकल के आती हैं उसमें कुछ अल्ट्रावायलेट रेज भी होती हैं। इस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से इंसान को कैंसर और स्किन डिजीज होती है, इसीलिए ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि ओजोन लेयर जो है वो सन से हार्मफुल रेज को नीचे नहीं आने देता है। ऐसे ही पढ़ा होगा ना आपने छोटी क्लासेस में भी, वही है ये। ओजोन लेयर रेफर्स टू फेनोमेनन टू रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ ओजोन इन स्ट्रेटोस्फीयर। क्लास ये लेवल है, जैसे मतलब ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, ये सब क्या होता है, एटमोस्फेरिक लेवल है। तो ट्रोपोस जो स्ट्रेटोस्फीयर लेवल है उसमें ओजोन है, और ओजोन जो है वो अगर डिप्लीट होगा तो बहुत ज्यादा जो है ऊपर से जो रेज आएंगी अल्ट्रावायलेट रेज वो हमारे बॉडी को इम्पैक्ट करेगा, हमें बहुत सारी अलग अलग बीमारियां भी हो सकती हैं। तो ओजोन लेयर जो डिप्लीट होता है वो किसकी वजह से डिप्लीट होता है, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, ये ध्यान रखना, क्लोरीन और ब्रोमीन। शॉर्ट में आप ध्यान रखना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ओजोन डिप्लीशन होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कौन सा होता है, जो एसी और रेफ्रिजरेटर जो कूलिंग सब्सटेंसेस है इनमें, आपने कभी देखा होगा कि जो एसी चलता है आपके घर में तो बाहर जो कंडेंसर रखा था कितनी गर्म हवा निकलती है उससे, वही सारी चीजें जो है वो ओजोन को डिप्लीट करने में यही इनका ही रोल होता है। तो एज अ रिजल्ट डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर मोर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कम टू द अर्थ एंड कॉज टू डैमेज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, उनको डैमेज करता है। अल्ट्रावायलेट रेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्किन कैंसर इन ह्यूमंस। इट ऑल्सो लोअर द प्रोडक्शन ऑफ फाइटोप्लैंक्टन एंड थस इफेक्ट द एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। तो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं, पानी में ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनके ऊपर, पानी में भी क्लास धरती से ज्यादा ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उन सबके ऊपर इंपैक्ट आएगा अगर रेज ये पड़ती है पानी में तो। और 5% रिडक्शन पाया गया ओजोन लेयर में 1979 से 1990 तक। और ये ओजोन लेयर जो है वो हार्मफुल रेज को प्रोटेक्ट करता है, हार्मफुल रेज को आने से रोकता है और हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। दिस लीड्स टू अडॉप्शन ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। प्लस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अग्रीमेंट है जो कई सारे देशों के बीच साइन हुआ, जहां पे न्यूयॉर्क में साइन हुआ ये अग्रीमेंट। और यहां पे डिसाइड किया गया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड जो है उसका हम लोग यूज नहीं करेंगे, ऐसा कोई भी अदर कंपाउंड जो ओजोन लेयर को कहीं ना कहीं डिप्लीट करते हैं हम उन चीजों का यूज नहीं करेंगे। और इसके बाद ऐसा पाया गया कि अब जो ओजोन लेयर है वो रिकवर हो रहा है। ओजोन लेयर होल, एक ओजोन लेयर क्लास होल था एंटार्क्टिका में, इज द डिप्लीशन ऑफ प्रोटेक्टिव ऑफ ओजोन लेयर इन अपर एटमोस्फियर ओवर द अर्थ पोलर रीजन, यानी कि एंटार्क्टिका। बट आफ्टर द इंटरनेशनल ट्रीटी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इन 1987, ओजोन लेयर इज नाउ रिकवरिंग। अब जो है ओजोन लेयर क्या हो रहा है, रिकवर हो रहा है। ओके, नेक्स्ट है चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन। ये जो चिपको मूवमेंट एक सोशल मूवमेंट है, जैसे सत्याग्रह मूवमेंट है ना नॉन वायलेंस का, उसी तरीके से ही यहाँ पे जो लोग पेड़ काटने आते थे, अंग्रेज लोग पेड़ काटने जब आते थे तो लोग पेड़ को हक कर लेते थे कि आप पेड़ को मत काटो। द फर्स्ट चिपको आंदोलन जो हुआ वो हुआ मंडल विलेज में, मंडल जो है अलकनंदा वैली है उत्तराखंड में, वहां पे 1973। जो लोग उत्तराखंड से हैं स्टूडेंट्स प्लीज आप लोगों को तो अच्छे से क्लिक कर ही जाएगा माइंड में। एंड ओवर द नेक्स्ट 5 years स्प्रेड टू मेनी डिस्ट्रिक्ट इन हिमालयस और इन उत्तर प्रदेश। सुंदरलाल बहुगुना स्टार्टेड चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट को स्टार्ट किसने किया, सुंदरलाल बहुगुना। इन कर्नाटका उसी तरीके से जैसे चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ उत्तराखंड में, उसी तरीके से कर्नाटक में 1983 को क्या हुआ, एपिको मूवमेंट स्टार्ट हुआ। और एपिको का मतलब भी क्या होता है, हक करना होता है, गले लगाना होता है। यहाँ पे क्लास सिरसी डिस्ट्रिक्ट में हुआ, सलकानी फॉरेस्ट सिरसी डिस्ट्रिक्ट। 160 मेन एंड वुमेन एंड चिल्ड्रेन हक द ट्रीज एंड फोर्स द वुडकटर टू लिव। जो लकड़ी काटने आए थे, जो पेड़ काटने आए थे, उनको जाना पड़ा, लोगों ने गले लगा लिया पेड़ को और बोला पहले हमें काटो तब पेड़ को काटना। अब ये जो टॉपिक है एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने क्वेश्चन आपको बता रखा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके अंदर ये पॉइंट ने पूछा हुआ है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इन ऑर्डर टू एड्रेस टू मेजर एनवायरमेंट कंसर्न इन इंडिया, वाटर एंड एयर पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए सरकार ने क्या बनाया, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया। और ये जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है बना 1974 में, और इसका फंक्शन क्या है, ये प्रमोट करता है क्लीनिंगनेस ऑफ स्ट्रीम वेल इन डिफरेंट एरिया ऑफ द स्टेट बाय प्रिवेंशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करके जो वेल है, स्ट्रीम है, रिवर्स है, उनकी प्योरिटी को बढ़ाता है। टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एयर एंड कंट्रोल एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करता है, एयर की क्वालिटी को ये इम्प्रूव करता है। मास मीडिया लोगों को बताता है, बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्म करता है किसी भी तरीके से कि वाटर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन ना किया जाए, किस तरीके से एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन को रोका जा सकता है। इवन ये डेटा कलेक्ट करके पब्लिश करते हैं, जो स्टैटिस्टिकल डेटा है रिलेटिंग टू एयर वाटर पॉल्यूशन, ये सारा का सारा डेटा कलेक्ट करते हैं और लोगों को बताते हैं कि इसका प्रिवेंशन किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से पॉल्यूशन को रिड्यूस किया जा सकता है। तो प्लीज फंक्शन ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के फंक्शन याद कर लेना 1974 का। अब जो ये टॉपिक है, यहां हम बात करेंगे एनवायरमेंट जो है, इंडिया का एनवायरमेंट स्टेट कैसा है।
स्टेट ऑफ एनवायरमेंट इंडिया. इंडिया इज द हैबिटेट ऑफ नियरली 17.71% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन. पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 17.71% इंडिया में रहता है, और पूरे वर्ल्ड का अगर हम एरिया देखें तो एरिया सिर्फ 2.4% है. तो ये क्या शो करता है कि बहुत कम जमीन है, लोग बहुत ज्यादा हैं, और इंडिया का 22% जो लोग हैं अभी भी वो गरीबी रेखा से नीचे पाए जाते हैं. पॉवर्टी चैप्टर मैंने आपको पढ़ा रखा है, उसके अंदर मैंने बता रखा है कि पॉवर्टी लाइन जो है उसको कैसे डिसाइड किया जाता है, दो तरीके से, एक एमपीसी और दूसरा तो न्यूट्रिशनल बेसिस पे. फटाफट कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ न्यूट्रिशनल बेसिस पे कितना है, ये नहीं बताना, ये तो आपको पता होगा 2100 और 2400 कैलोरीज जो होता है पर डे का, आपको ये बताना है कि इसको किसने दिया था, किसने मेजर किया था न्यूट्रिशनल बेसिस पे. अगर आपने मेरी पॉवर्टी की वीडियो देखी होगी तो पक्की बात है आपको अच्छे से आ गया होगा समझ, आपको ये बताना है किसने दिया था. ओके चलो कमेंट सेक्शन में देखो कितने लोगों को, मुझे याद जरा चेक करते हैं एक बार कि इतने सारे लोग पढ़ रहे हो तो कितने लोगों ने इसको याद किया हुआ है कि किसने न्यूट्रिशनल बेसिस पे पॉवर्टी लाइन को मेजर करने के लिए दिया था. नेक्स्ट है, हाँ, इसमें एयर की अगर हम बात करें तो इंडिया में 12.5% लोगों की जो है वो डेथ हो जाती है. क्यों? एयर पॉल्यूशन की वजह से. लगभग 1,00,000 चिल्ड्रन जो है, यानी जितने डेथ होती है उसका 12.5% जो डेथ है वो एयर पॉल्यूशन की चिल्ड्रन एयर पॉल्यूशन की वजह से होती है. और 1,00,000 चिल्ड्रन जो है, जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं, उनकी भी बैड क्वालिटी ऑफ एयर की वजह से उनकी भी डेथ हो गई है. स्टेट ऑफ वाटर, अगर हम पानी की बात करें तो 86 वाटर बॉडीज आर क्रिटिकली पॉल्यूटेड. पानी हर जगह क्लास बहुत कम है, और कर्नाटका, तेलंगाना और केरला में तो वाटर क्राइसिस भी हुआ था अभी. आप अगर 7-8 महीने पहले की बात करो तो यहाँ पे वाटर क्राइसिस चल रहा है, बहुत सारे एरिया में पानी नहीं मिलता है, टैंकर आता है पानी का, लोग लड़ते हैं पानी के लिए, इतनी खराब सिचुएशन है कि पानी जो है नहीं मिल रहा. सोचो पानी कितना ज्यादा जरूरी है, घर, गाड़ी, बंगला, मोबाइल फोन, आपकी लग्जरीज, गोल्ड, इन सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? वाटर. हम लोगों को क्यों जरूरी लगता नहीं है? क्योंकि हमारे पास प्लेंटी ऑफ वाटर है, लेकिन जिन देशों में पानी नहीं है उन देशों में पानी की कीमत जो है पेट्रोल से भी डबल है. यानी कि 1 लीटर पानी को 150-200 रुपए में वो लोग खरीदते हैं. सोचो पानी इतना ज्यादा जरूरी है, और खरीदना पड़ेगा कहीं पेट्रोल, वहां का पेट्रोल 20-25 रुपए लीटर है, लेकिन पानी जो है वो 300-400 रुपए तक पानी लीटर जाता है. सोचो कितनी ज्यादा हालत खराब होगी. तो इंडिया में भी वैसी ही सिचुएशन बनी हुई, पानी उनको इंपोर्ट करना पड़ता है. इंडिया में भी पानी का जो है बहुत सारा ग्राउंड लेवल का वाटर जो खिसकता चला जा रहा है, प्योरिटी वाटर तो मिल ही नहीं रहा आपको. सेकंड क्या है, स्टेट ऑफ लैंड एंड एग्रीकल्चर. इंडिया का फार्म सेक्टर जो है वो बहुत खराब है, थ्रेट है. अंडर द इनपुट कॉस्ट जो है, फार्मर को इनपुट कॉस्ट जो है बहुत महंगा पड़ता है, और फार्म लैंड का जो साइज है वो भी कम होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से फार्मर को नुकसान होता है. कई सारा लोन फार्मर्स के ऊपर हो जाता है, जिसकी वजह से कई बार वो लोग सुसाइड भी कर लेते हैं. अगर हम इंडिया के हेल्थ सेक्टर की बात करें तो इंडिया रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी पुअर. देर इज अ ग्रेट इनइक्वालिटीज इन हेल्थ बिटवीन स्टेट्स. कोई कोई स्टेट तो बहुत अच्छा है, जैसे इन्फेंट मॉर्टेलिटी केरला कितना है, 6 है, 1,000 में से सिर्फ 6 बच्चों को डेथ होती है. जबकि उत्तर प्रदेश में, यूपी में कितना है वो, 64. तो यानी कि स्टेट जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है स्टेट स्टेट का, वो भी जो है बहुत अलग अलग है. अंडर न्यूट्रिशन है, किसी को कुपोषण की शिकार है, किसी को ओवरवेट का प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर. तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना अच्छा नहीं है. इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर में हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में. अगला है स्टेट ऑफ क्लाइमेट. देयर हैज बीन 22% इंक्रीज इन इंडियाज ग्रीन हाउस गैस एमिशन. ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है वो करीब 22% बढ़ गया 2010 से लेकर 2014 के बीच. और एनर्जी सेक्टर जो है सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल है जो ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन के लिए, 73. ये एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि कौन सा सेक्टर ज्यादा रेस्पॉन्सिबल है. तो एनर्जी सेक्टर जो है ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट करने के लिए सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल है. अब जो डाइकोटोमी का मतलब क्या है, दो अलग अलग बातें हैं. जो रूरल एरिया में है, रूरल एरिया लोग कमजोर हैं, पढ़े लिखे नहीं है, पैसा कम है उनके पास, तो पेड़ काट के लेके आते हैं. अर्बन एरिया में डेवलपमेंट करने के लिए वो पेड़ काट के लेके आते हैं. यानी कि दोनों ही जगह कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट के रिसोर्सेज का वेस्ट किया जा रहा है. नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट. आपको पता होना चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसको कहते हैं. सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है कि आप ग्रो करो, प्रोडक्शन करो, कंजप्शन करो, ग्रोथ करो, डेवलपमेंट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ इस तरीके से कि जो आने वाला जनरेशन है, आगे आने वाली जो पीढ़ी है, उनको भी नेचुरल रिसोर्सेस का शेयर मिल सके. शुद्ध हवा क्या होती है, पेड़ क्या होते हैं, अलग अलग प्रजाति क्या होती है, जंगल क्या होता है, ओशन क्या होता है, रिवर्स क्या होते हैं, माउंटेन्स, बर्फबारी, ये सारी चीजें वो लोग भी देख सके.
इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बनाए गए हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का मतलब क्या, हम डेवलप करेंगे लेकिन रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं करेंगे। इसमें 17 गोल है जो डिजाइन किया गया है एक बेटर और सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन सेट करता है, यूनाइटेड नेशन कब किया, 25 सितंबर 2015 को न्यूयॉर्क में 193 कंट्रीज ने एग्रीमेंट को साइन किया कि हम इस 17 गोल और 169 टारगेट को क्या करेंगे, अचीव करेंगे, दैट ऑल द मेंबर कंट्री हैव अग्रीड ट्राई टू अचीव बाय द 2030। ध्यान रखना जो सस्टेनेबल गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, वो कितने साल में अचीव होगा, 2030 में। दीज गोल आर सोशल, इकोनॉमिकल, एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव। फ्यू ऑफ दीज 17 गोल्स आर नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर, क्लाइमेट एक्शन और रिड्यूस इनइक्वालिटीज बिटवीन पुअर एंड रिच। तो उनके बीच का जो इनइक्वालिटीज है उसको कम करना, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल है और सरकार इसको 2030 तक अचीव करेगी। 193 कंट्रीज ने इसके अग्रीमेंट पे साइन किया है। इसको किसने बनाया है, यूनाइटेड नेशन ने। अग्रीमेंट कहाँ साइन हुआ क्लास, न्यूयॉर्क के अंदर साइन हुआ, कब, 25th of September 2015 में। ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो एम है वो क्या है, ताकि रिसोर्सेज का अच्छी तरीके से यूज हो सके, ताकि जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी रिसोर्सेज को यूज कर सके, हमारा एनवायरनमेंट को हम डैमेज ना करें। टू प्रिवेंट फ्यूचर डैमेज ऑफ आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम, टू कंजर्व एंड नर्चर द बायोडाइवर्सिटी एंड अदर रिसोर्सेज फॉर लॉन्ग टर्म फूड सिक्योरिटी। अगर हम लैंड को डिग्रेड कर देंगे, सोचो हमें अनाज कैसे मिलेगा, अगर जमीन अपनी फर्टिलिटी लूज कर देगा, अनाज उगेगा ही नहीं, तो हम भूख से मर जाएंगे ना। हमारे लिए जो आजकल हम लोग जो बेमतलब की चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, मशीनों को, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अनाज, हमारे लिए फूड। और आपको पता है कि पहले ज़माने में ना कोई इतनी सारी मशीनें नहीं थी, अब जितनी ज़्यादा मशीनें आती चली जा रही है, जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, कार हो गई, और जितनी भी ज़्यादा मशीनें जो आपके काम को ईजी बनाता है, वो कहीं ना कहीं हमारे रिसोर्सेज को डिग्रेड कर रहा है, हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रहा है। और आने वाले टाइम में जैसे इन्हीं रिसोर्सेज से लोग भागेंगे, जैसे सबसे पहले गाड़ी का आविष्कार हुआ तो लोगों को लगा यार गाड़ी काम को हल्का करेगा, हमें दूर दराज के डिस्टेंस को जल्दी कवर करेगा, सामान हम कहीं भी ले आ सकते हैं, इजीली कहीं भी पूरे वर्ल्ड में भी हम ट्रैवल कर सकते हैं भाई एरोप्लेन के थ्रू। लेकिन अब उसमें जो ईंधन जलता है उससे जो रिसोर्सेज का वेस्टेज होता है, वो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि गाड़ियां वगैरह सब बंद करनी पड़ेंगी, सरकार को सब कुछ बैन करना पड़ेगा। क्यों, जिंदा रहना ही पॉसिबल नहीं हो पाएगा इतना ज्यादा अगर एनवायरमेंट पॉल्यूट हो गया तो। अब जो स्ट्रेटजीज है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, ये आपको याद रखना है, स्ट्रेटजीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं चाहूँ, अगर मैं क्लास आपको समझाऊं इस बात को, तो आप प्लीज इन सारे पॉइंट्स को कॉपी में अभी नोट कर लेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पॉइंट्स कौन कौन से हैं। इसके साथ हम टॉपिक खत्म करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी लिखवा रखा है, तो प्लीज इसको अच्छे से समझ लो। 5 मिनट और लूंगा बस मैं आपके और चैप्टर पूरा फिनिश करेंगे। एक लाइक कर दो अगर आपको अच्छा लगा है तो, अगर आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक कर देना। मैंने बहुत मेहनत से ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया, पीडीएफ बना के अपलोड किया है। उम्मीद करता हूं कि काफी कुछ हेल्प आपको मिला होगा, कुछ घाटा तो खैर नहीं हुआ होगा आपको। सस्टेनेबल डेवलपमेंट डज नॉट सजेस्ट टू स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ध्यान रखना, ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ये नहीं कहता कि आप अपने जो ग्रोथ प्रोसेस है उसको स्लो डाउन कर लो, कम कर लो। इट सजेस्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब आप बोलोगे सर बिजली जलती है तो रिसोर्सेज का वेस्ट होता है, तो क्या हम बिजली जलाना बंद कर दें, हम लोग मोबाइल फोन का, गाड़ी का यूज करना बंद कर दें, कल से हम पैदल जाने लगे, एसी बंद कर दें, गर्मी में सड़े हम लोग। अरे भाई नहीं, ये नहीं कहा जा रहा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि अगर आप बेमतलब का रिसोर्सेस वेस्ट कर रहे हो, आप घर से चले जाते हो क्रिकेट खेलने, लाइट का स्विच ऑन है या पानी बह रहा है बहुत ज्यादा, तो इसको मत करो, वेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, इसीलिए आपको वेस्ट करने से रोका जा रहा है ताकि फ्यूचर जनरेशन को ये सारी चीजें भी मिल सकें। तो कौन कौन से पॉइंट इसके अंदर कॉपी में लिख लोगे ज्यादा बेहतर रहेगा, पॉइंट्स आपको याद रहेगा, अंदर का आप बना बना के लिख सकते हो। जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, दो सोर्सेस ऑफ एनर्जी होते हैं, कन्वेंशनल पुराना और नॉन कन्वेंशनल, उसका जो यूज है वो हमको बढ़ाना चाहिए, मतलब कि सोलर एनर्जी का, विंड एनर्जी का यूज करना चाहिए, ना कि कोयला और पेट्रोल का। सेकेंड पॉइंट, जो क्लीनर फ्यूल्स लाइक सीएनजी, एलपीजी, गोबर गैस, हमें इनको यूज करना चाहिए, जंगल काट के, पेड़ों को काट के उनसे जो है हमें फ्यूल नहीं बनाना चाहिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए, तो है ही आपके सिलेबस में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है मैं समझाता हूँ आपको। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आपने सुना होगा, किसान जब खेती बाड़ी करता है तो उस समय ना बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड, दवाइयाँ, केमिकल, फर्टिलाइजर, इनको यूज करके वो ग्रो करता है पौधे को, और जो फल है उनको भी दवाइयों से पकाया जाता है, तभी आपके पास जो आम वगैरह आते हैं या जो अदर फल आपको मिलता है, फ्रूट्स वगैरह,
वो सारी चीजें दवाइयां से केमिकल से पकाया हुआ होता है, कई बार उसमें केमिकल की स्मेल भी आती है। तो ये सबसे प्रोडक्शन ना करके वो नेचुरल तरीके से प्रोडक्शन करे, ताकि जो प्लांट के देखो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो कहता है सॉइल की लाइफ को देखो, सॉइल की हेल्थ को देखो, मिट्टी प्रोटेक्टेड होनी चाहिए। लेकिन जो केमिकल यूज करते हो आप, उससे क्या होता है आपका प्लांट प्रोटेक्ट रहता है लेकिन सॉइल की फर्टिलिटी लूज हो जाती है। अगर एक बार सॉइल की फर्टिलिटी खराब हो गई तो उस जमीन पे आप कुछ भी उगाओगे ना तो वो उगेगा नहीं, समझ रहे हो बात को। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग कहता है कि केमिकल का बिना यूज किया आप इसका प्रोडक्शन करो, इससे फायदा होगा, ये चीजें आपको जो खाने में भी टेस्ट रहता है, हेल्दी भी रहता है, और ये सारी चीजें जो है वो लंबे समय तक स्टोर भी रहती हैं, और इसको अगर आप बाजार में बेचोगे तो आपको पैसा जो है वो ज्यादा मिलेगा। तो सरकार को ट्राई करना चाहिए कि सरकार फार्मर्स को प्रमोट करे कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करें। अगला क्या होता है, मिनी हाइडल प्लांट्स। मिनी हाइडल प्लांट का मतलब क्या होता है, जो जो पहाड़ी एरिया होते हैं, जो स्ट्रीम्स होती हैं उनमें पानी, जो नदियां होती हैं या झरना होता है ना, उनसे काफी पानी आता है प्रेशर में, तो उनका यूज करके, उन पानी को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करे, रदर देन ये जो बड़े बड़े खंबे लगते हैं और भी बड़े बड़े टावर लगते हैं, बहुत सारे तार बिछाए जाते हैं, वो सब पहाड़ों में नहीं हो सकता, क्योंकि क्लास पहाड़ में इतना प्लेन एरिया नहीं होता इतना ज्यादा कि ये सब चीज बनाई जा सके। तो हाइडल प्लांट का यूज करें, मतलब वाटर से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करें। अगला है विंड पावर। जहां बहुत ज्यादा हवा चलती है वहां विंड से एनर्जी को बनाया जाए, यानी कि जो विंड जो किस तरीके से बनाते हैं पढ़ लो एक बार जरा। इन एरिया वेयर द स्पीड ऑफ विंड इज यूजुअली हाई, विंड मिल्स कैन बी प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी विदाउट एनी एडवर्स इंपैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, क्योंकि ये सारी चीजें एनवायरनमेंट को कोई भी एडवर्स इंपैक्ट नहीं डालता है। हमें सोलर एनर्जी का यूज करना चाहिए, विंड पावर का यूज करना चाहिए, बट द बेनिफिट ऑफ सच इज हाई कॉस्ट गेट इजिली अब्सॉर्ब। तो यानी कि शुरू में तो ये काफी खर्चा आता है, महंगा लगता है, लेकिन इनिशियल में महंगा लगता है, बाद में सारा का सारा कॉस्ट क्या होता है, रिकवर हो जाता है। और लास्ट पॉइंट है इसके अंदर ट्रेडिशनल, अच्छा एक पॉइंट और भी है इसमें, अच्छा अभी तो काफी पॉइंट है बट आप 4-5 पॉइंट याद कर लो तो सफिशियंट है। ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस मैं आपको सारा करा देता हूं। ट्रेडिशनली इंडियन पीपल जो है वो एनवायरमेंट से काफी क्लोज थे, जैसे गर्मियों में वो क्या करते थे, पेड़ पौधों के नीचे बैठते थे जाके। पर अब क्या होता है, आप एसी में बैठते हो, क्यों, पेड़ पौधे है ही नहीं। ट्रेडिशनल नॉलेज इज वैल्यूएबल नॉट ओनली टू दोज हु डिपेंड ऑन इट बट इन देयर डेली लाइफ बट इन मॉडर्न इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर एज वेल। मेनी वाइड स्प्रेड प्रोडक्ट्स सच एज बहुत सारे मेडिसिन जो है अभी भी प्लांट से बनाए जाते हैं, प्लांट बेस्ड मेडिसिन होता है। हेल्थ प्रोडक्ट जो है कॉस्मेटिक, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो जैसे वुमेन वगैरह जो चेहरे वगैरह पे लगाती हैं, तो ये सारी चीजें जो है वो ट्रेडिशनल नॉलेज से बनाई जाती हैं। हैंडीक्राफ्ट बनाया जाता है ट्रेडिशनल तरीके से, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एनवायरमेंट के फेवर में है, एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है। नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए लोगों को अवेयर करो, लोगों को समझाओ कि ट्रीज प्लांट, तभी तो लोग कहते हैं ना कि पेड़ लगाओ, सब लोग अपने घर के आगे की पेड़ लगाओ कम से कम। तो इस कावेरी का प्रोजेक्ट चल रहा है पेड़ लगाने का, तो बहुत सारे लोग जो है इस पे कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। ये एक क्लास डेटा है ग्रेटा थनबर्ग, मैं ये नहीं कह रहा कि ये पूछेगा इसके बारे में, बट अगर आप अपना आंसर में लिखते हो तो ये टीचर को बहुत अच्छा लगेगा कि आपको कम से कम करंट चीजों का पता है। ठीक है, जो लोग कहते हैं करंट अफेयर्स का क्या है और क्या चीजें आएगी, करंट की चीजें पूछी जाएगी डेटा, उसके लिए वीडियो बना दूंगा मैं, पर आप बेफिक्र रहो, ऐसा करंट खामोखा में एक मतलब कि हुआ फैलाया जा रहा है, करंट अफेयर की कोई टेंशन नहीं है, पेपर आपकी किताब से ही आएगा, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। करंट अभी क्या चल रहा है क्या नहीं, कौन सी सरकार जीती, क्या पॉलिसी बनाई सरकार ने, अभी जो ये बीमारी चल रही है कोरोना के ऊपर, इसके ऊपर पूछ लेगा, ये सब चीजें क्लास आपको पूछने वाला नहीं है। हाँ, अगर आप आंसर में अपने आप इसको डालते हो तो अच्छी बात है, लेकिन आपसे एग्जामिनर पूछेगा नहीं। हद से हद आपसे क्या पूछ सकता है, नोटबंदी जीएसटी, उसके बाद का कुछ नहीं पूछेगा। जीएसटी पूछ सकता है, नोटबंदी का तो कोई मतलब ही नहीं इधर। ठीक है, और बहुत सारी पॉलिसी जो मोदी जी ने बनाई है, जैसे मान लो कि मेक इन इंडिया हो गया, स्किल इंडिया मूवमेंट, तो इन सब का भी आप जिक्र कर सकते हो आंसर में। आपको एग्जैक्टली नहीं पूछने वाला कुछ भी, तो उसकी टेंशन बिल्कुल मत लो, ये तो बस नॉर्मली हवा बना रखा है, ये सब चीजें नहीं आती एग्जामिनेशन में। बजट हर साल आता है, बीमारियां हर साल नई नई आती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ग्रेटा थनबर्ग जो है एक स्वीडिश एक्टिविस्ट है, और उसको माना जाता है, इसका नाम सुना होगा आपने, यूट्यूब करके देख लेना, एक छोटी सी लड़की है 16 साल की, जिसने प्रोटेस्ट किया 20 अगस्त 2018 को स्वीडिश पार्लियामेंट में एंड इन स्टॉकहोम, और यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे अवार्ड जीते। 15 मार्च 2019 को यानी कि अभी पिछले साल में 14,00,000 लोग पूरे वर्ल्ड में जुड़े इसके साथ, और बेसिकली स्टूडेंट्स और इन लोगों ने क्लाइमेट चेंज के लिए प्रोटेस्ट किया। क्लाइमेट चेंज सिर्फ इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है, पूरे वर्ल्ड का प्रॉब्लम है। क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या, बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत कम सर्दी, और बहुत ज्यादा गर्म हवा, बहुत सारे प्रजातियों का मर जाना, बहुत ज्यादा बारिश, बहुत कम बारिश कहीं होती है, कहीं ज्यादा बारिश, फ्लड, तूफान, सुनामी, इंडिया में देखो कितना आता रहता है, कभी गुजरात में, कभी उड़ीसा में, कभी बिहार में, इतना फ्लड आता है, लोग जो है बहुत सारे डूब जाते हैं, घर से बेघर हो जाते हैं, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है, जो फील करता है वही इस दुख को समझ सकता है। तो ये सब क्लाइमेट चेंज की वजह से होता है, तो इसको रोकना चाहिए।
लोगों को प्रमोट करो कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करे, लेकिन एक मेंटलिटी हमारे यहाँ देश में सेट हो जाती है अपनी गाड़ी में अपनी बाइक में जाना है। अब अगर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करो, सरकार को साइकिल के लिए ट्रैक बनाना चाहिए ताकि लोग साइकिल का यूज़ कर सके, हेल्थ भी अच्छा रहेगा और पॉल्यूशन भी नहीं होगा उससे, साइकिल में कोई ईंधन नहीं फूकता है तो आराम से आपका हेल्थ एक्सरसाइज भी हो जाता है और पॉल्यूशन भी, लेकिन पॉल्यूशन भी कंट्रोल होगा। तो अब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को सरकार को प्रोटेक्ट करना चाहिए, जैसे मेट्रो लाइन वगैरह है उसको उसको बढ़ा देना चाहिए हर जगह, ताकि ये सारी चीज़ें जो है सबके पास पहुंच जाएं और एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन ना हो। एक लास्ट डेटा जो है, वैसे ये डेटा नहीं कहेंगे तो इन्फॉर्मेशन, आप सबको पता होगा जो बच्चे दिल्ली में रहते हैं उन सबको अच्छे से पता होगा, दिल्ली गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया ओड इवन स्कीम। ये ओड इवन स्कीम तो सबको पता होगा क्या होता है, जहां पे क्लास एयर पॉल्यूशन को और ट्रैफिक जाम को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने ओड इवन स्कीम लागू किया। जो लास्ट डिजिट नंबर होता है गाड़ी का, अगर आपकी व्हीकल का लास्ट नंबर 4 है तो ये इवन डे पे चलेगा, 5 है तो ये ऑड डे पे ही चलेगा। तो इस तरह से आधी गाड़ियां जो है वो सड़क पे नहीं उतरती। अगर आप इनका वॉयलेशन करते हो इस रूल का, तो आपको 4,000 तक की पेनल्टी देनी पड़ सकती है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये प्लीज आप याद कर लेना, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब का है, 1986 का। इज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इज द इन द वेकअप ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी। क्लास भोपाल में एक बहुत गैस ट्रेजेडी हो गई थी, जो भी लोग बच्चे मध्य प्रदेश से देख रहे हैं उन सबको अच्छे से पता होगा कि इतनी खराब ट्रेजेडी थी, कई लाख लोगों की इसमें डेथ हो गई। 3 दिसंबर 1984 एक कंपनी में केमिकल के लीकेज की वजह से इतना मतलब भयानक था, पूरे वर्ल्ड का सबसे खतरनाक गैस ट्रेजेडी, कई लाख लोगों की इसमें क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो इसको देखते हुए सरकार जागी और सरकार ने एक्ट बनाया, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। लाइक कर दो वीडियो को, अच्छा लगा हो तो, मैंने चैप्टर यहाँ पे एंड कर दिया है, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, बहुत बड़ा चैप्टर है, एक एक आधे आधे घंटे में कवर नहीं होता, मैंने कोशिश करी है कि आपको सारा बता सके। फिर भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं नोट्स भी मैं आपको दे दूंगा। इंस्टाग्राम पे मुझे प्लीज फॉलो करो @ यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ इसकी ID @SunilPanda, और आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम के अंदर। ये तो खैर मैंने आपको बता दिया आपका टेलीग्राम की ID, टेलीग्राम पे मैं आपको नोट दे दूंगा, ठीक है। इसको मतलब कि यूट्यूब पे प्रॉपर तरीके से यहाँ पे लिंक लग नहीं रही है, तो टेलीग्राम पे SunilPanda @SunilPanda आप सर्च कर सकते हो मुझे, वहाँ पे मैं आपको नोट्स दे दे रहा हूँ। वहाँ पे हमारा ग्रुप भी है, कुछ अच्छे बच्चे जुड़े भी हुए हमारे साथ, और SunilPanda Commerce Classes ये आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। फेसबुक इंस्टाग्राम हर जगह हूँ मैं, आप फॉलो करो, हम जुड़े रहेंगे हमेशा के लिए, अभी पेपर के बाद भी जुड़े रहेंगे। आपको कोई भी हेल्प परेशानी अगर मैं दूर कर सकता हूँ जरूर करूँगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।